बनारस खाई की पान बनारस वाला और खुल जाए बंद ये कल का ताला। अब हम वाराणसी जा रहे हैं गंगा नदी देखने के लिए और बाजार भी घूमेंगे। श्री रामचंद्र मिशन मुगल सभाए जिला मुख्यालय। तो एक देख लीजिए बनारस सिटी वाराणसी बनारस इस तरफ ये स्टेशन रोड पर है। हम वाराणसी स्टेशन रोड पे ये कोई नदी आ गई है तो पता नहीं कौन सी है लेकिन है छोटी नहीं है। आगे एक टावर दिख रहा है बहुत बड़ा। ये टावर बहुत ही बड़ा लगता है। बहुत अच्छी है बनारस सिटी भी दूसरों के मुकाबले में। ये देखिए कैसे निकल रहे हैं ऐसे लोग हैं। ये मस्जिद है शायद कंस्ट्रक्शन अच्छा है। 5:20 हो चुके हैं इसलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कहीं से भी आते जाते रहते हैं लोग कूद कूद के। कलरफुल सिटी लग रही है अभी लाइट में। तो गंगा घाट जा रहे हैं अभी 4 किलोमीटर बाकी है। अभी हम वाराणसी अंदर सिटी में भी है सिटी में ही है जहाँ जगह लागे ना हम उठी दी। अब हम पहले से पार्किंग का सोच रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पार्किंग करने की जगह नहीं मिल रही है ऐसा बोल रहे थे। पहले ये लोग आ चुके थे इसलिए पार्किंग की सेफ्टी पहले करनी चाहिए। ऐसी रिक्शा बहुत चलती है बनारस में वाराणसी में। 150 मीटर आगर जाए में सर्कल पर थी बाहर निकलवानो त्रीजो मार्ग लो। ये गंगा घाट का रास्ता बोल रही थी। इलेक्ट्रिक बाइक और ये पैदल वाली बाइक यहाँ पे बहुत देखने को मिली है हमको इस तरह की इलेक्ट्रिक और पैदल वाली भी है। आगे आ रही है पैदल वाली बाइक। ये रही पैदल वाली बाइक बहुत ज़्यादा देखने को मिली है ऐसी बाइक। ये देख लीजिए बहुत सारी ऐसी तो है बाइक रिक्शा। तो अब हम रिक्शे बैठ चुके हैं गाड़ी को पार कर लिया है और गंगा घाट के लिए जा रहे हैं काशी विश्वनाथ के लिए। मसूदरी पार्क मसूदरी पार्क पे भी जानेंगे। आप मसूदरी पार्क है यात्रा जहाँ पे हमें गाड़ी पार्क किया है मसूदरी पार्क जमनी वड़ो। बहुत ट्रैफिक है। तो ये देख लीजिए ये इलेक्ट्रिक बाइक है ऐसे रिक्शा है मोस्टली इलेक्ट्रिक की बाइक ही यहाँ पे चलती है। मैं बाइक बोल रहा हूँ एक्चुअली रिक्शा है और पैदल वाले ज़्यादातर यहाँ पे साइकिल देखने को मिल जाएगी। बड़े बड़े सामान भी यहाँ पे साइकिल पे ही ले जा रहे हैं सब लोग। गुजरात के हिसाब से यहाँ पे साइकिल ज़्यादा चल रही है यूपी में। तो आप क्या कहना चाहेंगे गोकुल जी वाराणसी के बारे में? यहाँ पे कुछ नहीं बोलने वाले हैं क्योंकि इसके पेट में चार लाड़ू है उसकी वजह से गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी। कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए इसको
ये बनारस वाराणसी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए हमको। आप तो आए हैं ना पहले? हम लुढ़क गए हैं। लुढ़क गए हैं, कुछ बोल नहीं पाते। ये बनारस में आके हम एक गाना याद आ गया है, वो कौन सा गाना है? पान बनारस वाला। पान नहीं, खाई के पान बनारस वाला। हाँ, तो एक बार गा दीजिए, सुना दीजिए हमको एक बार। एक बार गोकुल भाई, एक बार सुना दीजिए थोड़ा सा। एक कुखड़ा खाई के पान बनारस वाला। पान बनारस वाला, हो ये बनारस में आके हमने गा लिया है। बहुत मजा आ रही है हमको। थोड़ा सा लेट हो गया है, 6 बजने वाले हैं। भी जाएंगे इधर, लेकिन गंगा घाट हम देख के ही आएंगे। जो रिक्शे में हम बैठ के आए थे वो रिक्शा आधे रास्ते तक ही था, इसलिए अब दूसरे रिक्शा करके जा रहे हैं। वहाँ से 10 रुपये लिए थे और फिर वहाँ यहाँ से घाट तक 10 रुपये ले लिए है। 5 लोग हैं हम, और ये बहुत पतली गली है यहाँ पर, लेकिन डिवाइडर अच्छे हुए बिछाए हुए हैं यहाँ पे, इसलिए आगे से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा धीमे जाना पड़ेगा। बहुत रिक्शे वाले ट्रैफिक है यहाँ पर, पतली गली वाली। देख लीजिए, आप इसको पैर को भी बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि ये घसे सहज डाबे पच्ची डाबे वालों का है। ऐसे करके ले जाएगा दूसरी रिक्शा वाला। बनारस खाई के पान बनारस वाला, और खुल जाए बंद कल का ताला। एग्जैक्ट हम काशी विश्वनाथ में पहुंच चुके हैं। ये पिछले में बहुत सारा ट्रैफिक देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर, परेशान हो गए हैं। 1 घंटा तो हमें 5-7 किलोमीटर में ही लग गए हैं। शिव विश्वनाथ मंदिर हमारे पीछे रह गया था, बहुत सारे सिक्योरिटी भी वहाँ पर लगाए हुए थे, लेकिन अब हम मंदिर में नहीं, पहले घाट पे जाएंगे, बाद में टाइम देख कर सोचेंगे कि वहाँ जाए कि नहीं जाएंगे। ये बाजार देख लीजिए, बहुत पतली गली में बाजार है यहाँ पर। फिर भी आपको हम माहिती देते ही रहेंगे आगे आगे। आगे मैं बताते रहूँगा। यहाँ ये आर्मी वालों का काफिला भी है इस टेम्पो में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी है, क्योंकि एक बार यहाँ पे बम फट चुका है, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा कर दी गई है। यहाँ पे पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये मॉल है यहाँ पे एक। ये रिक्शे में आवाज़ बहुत कम आती है, जैसे कि आती ही नहीं है। पेंडे घूम रहे हैं पेड़ तो रोड के साथ टच होता है, सिर्फ वही आवाज़ आती है। शांति शांति लग रही है, कुछ आवाज़ नहीं है। और आप गाड़ियों की आवाज़ है, इस बारे में आपको क्या करना है? इस बारे में आपको क्या करना है? इस रिक्शे के बारे में बता दीजिए। रिक्शे के बारे में ऐसा लोझा मत पड़ जाइए आप। ये मोबाइल ठीक से पकड़िए, कोई खींच के ले जाएगा। क्या कौन लेके गया? यहाँ खिस्से कातर से भी सावधान रहना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं यहाँ पर। तो हम ये रिक्शे से उतर चुके हैं, अभी जा चुके हैं, और जो हम चल के जाएंगे घाट पे, आगे जाना है। तो अब हम चल रहे हैं, ये रिक्शे में आए थे हम। देख लीजिए, आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ। लक्ष्मी साड़ी घर है इधर, क्योंकि ये बनारसी साड़ी यहाँ पे बहुत फेमस है। ये बनारस की गली, ये रास्ता है घाट पे जाता है, थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा। यहाँ बड़े वाहन यहाँ पे नहीं आ सकते, 4-व्हीलर सिर्फ 2 व्हील अलाउड है, साइकिल और बाइक। बहुत सारे साड़ी की यहाँ पे दुकान है, क्योंकि बनारस से साड़ी के नाम से जाना जाता है। आपने दिया है ना घाट पर, पहले हम थोड़ा ये ठंडा कर लेते हैं ताकि थोड़ा ठंडे से फ्रेश हो जाए। गोकुल भाई को पैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए इसके लिए बहुत हो गया है। ये है
बनारसी पान वाले की दुकान यहाँ पर। यहाँ पे शादीशुदा लोग वर राजा और नई दुल्हन बकरे डब्बा बनारस में बकरे डब्बा में आ चुकी है अभी पूरी तरह से। शायद मंदिर के लिए दर्शन के लिए गए होंगे नहीं शादी करके। ये उससे भी छोटी पतली गली है, सिर्फ यहाँ से चल के जा सकेंगे हम। यहाँ से ये माला ले ली, इधर बहुत था आगे मैं नहीं ले। गोपाल भाई ने माला पहन के बहुत ये अच्छे दोनों पुजारी जैसे दिख रहे हैं। उसका दोनों कवर हो जाता है, उसका ये पेट भी कवर हो जाता है पूरी तरह से, और ये गला तो ऑलरेडी कवर होता ही है। 90 रुपये की दो ये माला रुद्राक्ष की ले ली है गोकुल भाई ने। एक बार पहले जाने एक आधा एक अभी शर्मा रहे हैं थोड़ा सा। तो अब हम घाट उतर रहे हैं और आरती भी चालू हो गई है, बहुत सही टाइम पे आ गए हैं हम। Thank you.
अब रिटर्न जा रहे हैं टूट करके। बहुत सारे फॉरेनर भी यहाँ पर है। और अब हम फिर से मसूदरी बाग तरफ जा रहे हैं। जो हमें वहाँ पे बाइक हमारी गाड़ी पार्किंग की थी, तो इस रुपये में हमको रिक्शा वाले ने बोला 5 लोग हैं, 100 रुपये कहा है, लेकिन रिक्शा वाला बोल रहा है कि 120 दे दो, लेकिन हम 1 के 2 नहीं हुए, 100 रुपये ही देंगे। और 120 मांग रहे थे तो हम उतर गए थे, तो वो मान गए 100 रुपये में। और क्या लगा आपको गंगा में? गंगा में मेरे को बहुत बढ़िया लगा है, बहुत बढ़िया लगा। वो काशी बनारस जो गंगा घाट है वो बहुत बढ़िया है। आरती हम बिल्कुल मौके पे पहुंचे हैं, बिल्कुल मौके पे। और मेरे ऊपर ये लाइट यहाँ की बहुत अच्छी लग रही है, और बढ़िया सीन भी आया, बढ़िया सीन आया, मजा आया, और हमको बहुत अच्छा लगा। एकदम टाइम पर हम गए थे, बिल्कुल मौके पे हम पहुंचे। आरती
चल रही थी और हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। मैंने पहली बार देखा है। दादा तो शायद आ चुके हैं, बहुत ट्रैफिक है, बहुत 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 परेशान हो गए ट्रैफिक की वजह से, गर्मी भी बहुत लग रही है मुझे, ऊपर से मैंने जैकेट पहना रखा हुआ है क्योंकि पहले हमें गाड़ी में उतर के बहुत ठंडी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि बाद में बहुत गर्मी लगे ठंडी लगेगी तो मैंने जैकेट पहन ली, लेकिन अब हमें मजा नहीं आ रहा है। तो बनारस की ये लास्ट आप वीडियो देख लीजिए, बाद में मैं वीडियो बंद करने वाला हूँ। तो बनारस का मैं वीडियो यहीं पे ही ख़त्म कर दूंगा क्योंकि बाद में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थोड़ा सा ये देख लीजिए सिटी, आते आते पे मैंने दिखाई दिया है, 7 बजने वाले हैं, 15 मिनट बाकी है, तो अब मैं वीडियो ये बंद करता हूँ। बाय।